अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैशन माने क्रिकेट शो। पूरे इंडियन फैंस इस टाइम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखने में मसरूफ हैं, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि मीटिंग बैठने वाली है और पाकिस्तान और इंडिया से सवाल पूछेगा आईसीसी कि करना क्या है, हल कोई निकालने का मूड है या नहीं, या फिर हम अपनी बदमाशी करें। देखिए 15 मेंबर्स बैठेंगे और वो फैसला करेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो फैसला कर नहीं पा रहे और आईसीसी ने हाथ खड़े कर लिए और बोर्ड मीटिंग बुला ली गई है। जय शाह तो पहले ही दुबई में मौजूद हैं, अब मोहसिन नकवी भी सुना है कि वहां जाएंगे और हो सकता है कि उससे पहले मीटिंग से पहले जय शाह मोहसिन नकवी को एक कॉल भी करें और शायद मामला आपस में तय हो जाए, जिसके इम्कान बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना मैच जो है बाहर जाने के खेलने के मूड में नहीं लग रहा, इंडिया के साथ वो दुबई जाकर नहीं खेलना चाहता। मसला सिर्फ इस मैच पर आ गया। आपको पता है कि बाकी मामला में पाकिस्तान रिलैक्सेशन देने को तैयार है, इंडिया के तीनों मैचेस ही बाय कराने को तैयार है। अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं वर्स्ट से वर्स्ट सोचता हूं कि देखें वोटिंग हमारे हक में नहीं रहती है और पाकिस्तान को होस्टिंग ही नहीं मिलती चैंपियंस ट्रॉफी की, तो क्या पाकिस्तान ये काम करेगा कि भाई अपना टूर्नामेंट हारने के बाद, अपनी होस्टिंग हारने के बाद साउथ अफ्रीका या कहीं भी जाता है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, पूरा टूर्नामेंट कोई और होस्ट होता है उसका और वहां इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेता है? देखिए ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जाएगी। सारे बोर्ड है वो अकलमंदी से फैसला करेंगे, मनाया ही जाएगा कि यार ये जो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच है ना, इस पे सारे क्रिकेट बोर्ड चलते हैं। जय शाह बदमाश गेम है वहां पर, मैं उनकी बात करूं। बात पता है क्या चक्कर है, आप एक बंदे की बदमाशी चलती आई थी, जब 15 बोर्ड बैठेंगे ना तो वो चाहते होंगे कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए किसी भी तरीके से। देखिए उसके पैसों की जो पैसा उससे रेवेन्यू जनरेट होना है वो सारे बोर्ड में तकसीम होना है और सारे किसी तरीके पे ये हल पे जान लाना चाह रहे हैं कि यार कम से कम एक मैच जो पाकिस्तान ने जीत पकड़ी है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच और फाइनल मैच, ये आपको अगर ग्रुप में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना है, पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि बेशक हमारा ग्रुप अलहदा कर दो, इंडिया अपने तीनों मैच दुबई जाए खेले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईसीसी ब्रॉडकास्टर और बाकी बोर्ड कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, उसके लिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया वाला मैच जो पाकिस्तान के साथ खेलना है वो लाहौर में खेले और प्लस फाइनल का जो वेन्यू है ना वो भी लाहौर में होना चाहिए, बाकी दो मैचेस जो हैं वो इंडिया और एक सेमीफाइनल वो इंडिया बेशक दुबई में खेले। तो यहां पर मामला जो है ना थोड़ा इंडिया को ले दे करना पड़ेगा, थोड़ा पाकिस्तान को अपनी मेरी तो ऐसा पाकिस्तानी अब दुआ है कि देखें इंडिया जो है वो अपने तीनों मैच हार जाए, किसी तरह इंडिया तीनों मैच हार जाए, जो उसने गन डाला है ना। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया देखिए सेमीफाइनल में पहुंच ना पाए और वो सेमीफाइनल में दुबई में हो और देखिए फिर बर्बादी तो पूरी हो ना। देखिए आपने उनको क्यों गारंटी तो नहीं होती ना कि हर टीम जो है फाइनल सेमीफाइनल खेलेगी खेलेगी, तो ऐसा आप तो मुझे लग रहा है जितना उन्होंने गंद डाला है ना पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में, अब ये सेमीफाइनल में पहुंचे ही ना जाए मेरी बदवा है। देखिए मसला यही है, मसला यही है, आपने बिल्कुल सही बात की है कि एज ए पाकिस्तानी हमें इस चीज से गुस्सा है कि आपके पास कितने टूर्नामेंट आए, एक भी टूर्नामेंट में ऐसा इशू नहीं डाला यार, हम ऐसे मुद्दे नहीं उठा के ले गए, लेकिन एक ट्रॉफी हमारे पास आई थी 29 ईयर्स के बाद, लेकिन उसमें आपने जितना गंद डाल दिया, जितना आपने उसको खराब करने की कोशिश की है। मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट की बात, अपने फैंस की बात नहीं कर रहा, जो इंडिया मीडिया की बात करूँ ना, बहुत बड़े बड़े सहाफी हैं, देखें वो कह रहे हैं कि यार देखें पैसे की पावर जो है वो चमकने वाली है और सब जो वोटिंग अगर होती है, अगर वोटिंग ना नौबत जाती है तो फैसले इंडिया के हक में आएंगे। देखिए स्ट्रेट अवे हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है ना। अब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में देखें अगर हाइब्रिड मॉडल मंजूर होता है तो फिर पाकिस्तान के कहेगा हम वो मैच नहीं खेलते, फिर उसके मुतालिक दूसरी अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान कहता है हमें बाहर नहीं जाना, इंडिया के साथ मैच खेलने दुबई नहीं जाना, तो एक और वोटिंग होगी और वो भी स्ट्रेट अवे एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया के हक में हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान को वहां पर दोबारा फिर चैंपियंस ट्रॉफी फॉरफिट ही करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं है कि आप बाहर चले जाओ पूरा टूर्नामेंट उठा के, फिर तो ज़्यादा बेइज्जती है। पाकिस्तान कम से कम मीज का रास्ता कोई निकालेगा, मानी ऐसा नहीं, मीज का रास्ता निकालेगा तो देखिए जब मोहसिन नकवी ने बयान दे दिया था ना कि हमने हाइब्रिड बॉर्डर की तरफ नहीं जाना, एक मुल्क पूरा का पूरा देखिए गवर्नमेंट बीसीसीआई सब ढीट हो गए कि नहीं आना, एक मैच भी नहीं खेलना, और वो कह रहे हैं कि एक मैच खेलना होता तो हम फिर सारी ना खेल लेते। अब इसका हल पीसी अना का मसला है ना, बेसिकली अना का मसला अना के बाप, ये एक जंग वो समझ रहे हैं कि अना प्लस पैसा और पैसा उनके पास है, मानी आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइट तो करनी पड़ेगी ना। अब आपने जब मामला वहां पर उठाने हैं तो देखिए आपको अपना मुद्दा तो रखना पड़ेगा, और देखिए मुद्दा हमारा इस बार स्ट्रॉन्ग है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही इस बात की कि यार जब चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी तो यही इंडिया के साइन से प्रूव हुई थी ना, ये बोर्ड मेंबर जितने बैठे हुए इनके तहत ही एक बनता ना, मुद्दा कमजोर हो जाएगा ना जब वोटिंग अगर होती है ना, तो वोटिंग में अगर उनका आपको क्या लगता है कि सारे के सारे हमारे खिलाफ वोट आ जाएंगे? देखिए अगर अच्छा मुझे बताएं, अगर मुझे बताएं पाकिस्तानी सोचते हैं, एक अच्छी सोच से हम बात करते हैं, अगर वोटिंग इंडिया के हक में नहीं आती तो क्या इंडिया उस चीज को फौरन एक्सेप्ट कर लेगा? तब तो नहीं, कोई दादागिरी दिखाएगा नहीं, फिर तो नहीं दिखानी पड़ेगी ना, लेकिन उनको जब वोटिंग हो जाए तो फिर वो गवर्नमेंट से क्या कहेंगे यार हमारे खिलाफ वोट आ गया। जब वोटिंग होनी होती है इस तरह की, जो कहते हैं आप कह लें कि दो नंबर वोटिंग जब होनी होती है ना, तो उसके फैसले पहले पता होते हैं फिर वोटिंग करेंगे। नहीं आप देखें, अगर पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ फैसला आता है तो क्या वो उस चीज को मानेंगे? इंडिया वोटिंग कराएगा ही नहीं तब,
तब इंडिया वोटिंग नहीं कराएगा यार, आपको नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, भाप लिया जाता है ना अंदर से कि यार ये मामला तो वोटिंग करवा देते हैं, आपको पता ही था सब। अच्छा वैसे अगर जो ये जो बिल्कुल खामोशी हुई पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है पीछे कोई मामला सेटल नहीं हो रहे होंगे? देखिए बातें हो रही थी कि पीछे में आपस में दो बोर्ड की बात हो रही है, आईसीसी इन्वॉल्व है और तीनों को कोशिश कर रहे हैं तीनों मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया। खबर है वो तो ये बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के हक में, वो कह रहे हैं कि हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और हमने देखे इंडिया की शर्तें मान ली है पांच मैच और ये अगर बात मान ली है तो फिर मोहसिन नकवी का वो बयान जो कि जी हम हाइब्रिड बात भी नहीं करेंगे, वो शायद फिर पैसा देखे हम पैसा अपना बचाने जा रहे हैं कि हमें जो इतना जो होस्टिंग राइट का पैसा मिलना है वो हमारा बच जाए, एक बार हमारा जो ये टूर्नामेंट हो जाए उसके बाद इंडिया की बारी आएगी तब हम गंद डालना होगा डाल लेंगे, अभी फिलहाल हमें इंडिया की माननी पड़ेगी। नहीं, ये लग रहा है ना कि देखें वो कह रहे हैं कि देखें अगर आप आज मानते हो तो फिर जो अगला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के साथ उसमें फिर आपको एक अलग सेमीफाइनल स्पेशल अलॉट किया जाएगा सेमीफाइनल में और दो वेन्यूज होंगे फाइनल के, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में भी दो फाइनल होने वाले हैं, लाहौर भी होस्ट रहेगा अगर इंडिया नहीं पहुंचता है, तो उसी तरह या तो कैंडी में मैच होगा या कोलंबो में एक फाइनल रखा जाएगा, एक वो जहाँ मर्जी रखें फिर ये होगा सिस्टम। तो ये आपको लगता है कि उस टाइम हो जाएगा ये, क्योंकि हमेशा हमारे ये हाथ होता है, हमेशा ये होता है, आपको बिलीव है कि हो जाएगा? वक्त बहुत जो जालिम चीज़ है बात की बात हमेशा ये जुल्म हम पे ही डाया गया है, हमेशा जुल्म हमने ही सहाया वैसे। देखें हम वो क्या कर सकते हैं इसका, तो मेरे पास कोई हल नहीं है। अब कल जो है ना वो मीटिंग है, कल देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। बड़ा करीब मामला हो गया, अब देखें आर या पार है, आईसीसी की बस हो गई है, तो कल फिर इसका जो मामला होगा वो आपसे शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ कि होने का वाला है, हो गया रहा है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।